लोकसभा चुनाव के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की है। इतना ही नहीं, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के दौरान जर्मनी में यहूदियों जैसी बताई है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। वही ओवैसी के बयान, केशव प्रसाद मौर्य ने तगड़ा हमला इस पर बोलते हुए कहा कि 4 जून को 400 पार होने पर ये लोग जय श्री राम बोलेंगे। को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। आप इसके पहले के चुनाव में ये सब जालीदार टोपी लगा करके वोट मांगने का काम करते थे, अब टीका लगा करके वोट मांगने का काम करते हैं। ये 2014 में कमल खिलने का, 10 वर्ष मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने का ये परिणाम है। और इधर असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। उनके बयान को नफरती बयान बताया है। यही किया है, हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही प्रधानमंत्री रिफर कर रहे हैं। हम रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही बोलना था। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है? जरा याद गिना दें तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। और इधर कांग्रेस नेता ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को मुसलमानों का दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, कम्युनल स्टेटमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ, उससे कोई भी आदमी किसी भी तरीके का बयान दे सकता है। मुझे महसूस होता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी इस देश में कम्युनल इमेज बनाना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनल इमेज से ही उनको फायदा पहुंचेगा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के लीडर्स, दुनिया के अखबारात उनके खिलाफ लिख रहे हैं। हद ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन तक ने क्रिटिसाइज किया है। विपक्ष का कहना जो है वो एक तरह से उनकी हताशा और निराशा है। सच्चाई जो चीज है, मुसलमानों का असली कोई दुश्मन है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। लंबे समय तक शासन कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया है। बीजेपी से नफरत सिखाया तो कांग्रेस, बसपा, सपा ने सिखाया मुसलमानों को। और आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा जिम्मेदार है। ओवैसी के बयान पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनिए। ओवैसी के बारे में मैं क्या बताऊं? He can speak for himself। मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम्स का जो अनुभव है कुछ सालों से अच्छा नहीं है हमारे देश में। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई मुसलमान एमपी नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है जो बीजेपी सरकार ने की है। ये किसने कहा है मुझे मालूम नहीं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मायूसी की बात हिंदुस्तान में करना बिल्कुल गलत है, और कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता हमेशा एक होकर के साथ साथ रही है, और ऐसी सिचुएशन
इस देश में कभी नहीं आएगी और कोई इसको इसको इस तरह की सिचुएशन ला नहीं सकता। और सीतापुर में देर रात सड़क हादसा हुआ है जिसमें बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के काफिले में शामिल एक गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 4 से 5 बसपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव दूसरी गाड़ी में सवार थे। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा में भर्ती कराया गया। पूरा मामला रामपुर कला थाना क्षेत्र का बताया गया। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।